शांतिनगर में दोपहिया वाहन पर धक्का लगने पर हुए विवाद में युवक पर चाकू से हमला कर उसकी हत्या का प्रयास किया गया। घायल का सेल की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी मुकेश हेड़ाऊ व उसके नाबालिग साथी पर मामला दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार बिस्तरवाड़ी बैरागीपुरा लालगंज छाड़ी चौक निवासी आकाश अपने दोस्त केशव वेलकर के साथ छाड़ी चौक से 31 मार्च की रात करीब 9:30 बजे पैदल जा रहा था। इस दौरान सामने से एक्टिवा पर आ रहे मुकेश हेड़ाऊ व एक नाबालिग को केशव का धक्का लगा। इस बात पर मुकेश ने चाकू निकाला और आकाश पर वार कर दिया। नाबालिग ने चाकू से आकाश के पेट पर वार कर उसकी हत्या का प्रयास किया। पुलिस ने धारा 360/34 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। दिनांक 31/3/2021 रोजी फिर्यादी आकाश जतन सेन राहणार बैरागीपुरा हा आणि त्याचा मित्र केशव वेलकर हे दोघे रात्री त्यांचं जेवण वगैरे झाल्यानंतर त्या परिसरात फिरत असताना झाडे चौक या ठिकाणी एका छोट्या गल्लीमध्ये ते जात असताना समोरून टू व्हीलरवर आरोपी आले। आरोपी आहे मुकेश हेडाऊ आणि दुसरा एक विधी संघर्षग्रस्त बालक आहे। तर त्यांच्या गाडीचा धक्का लागल्यामुळे फिर्यादी आणि आरोपी त्यांच्यामध्ये वाद झाला आणि त्या कारणावरून आरोपीने फिर्यादीच्या पोटात चाकू मारला आणि तो जखमी झाला। हॉस्पिटललाइज केल्यानंतर त्याच्यावर उपचार होऊन तो पोलीस स्टेशनला आला। आम्ही गुन्हा दाखल केलेला आहे 307/34 अंतर्गत गुन्हा दाखल करून आरोपी जो मेजर आहे अबव 18 त्याला अटक केलेला आहे आणि दुसरा विधी संघर्षग्रस्त बालकावर पुढील कारवाई करत आहोत। त्या आरोपीवर शरीराविरुद्धचे गुन्हे दाखल आहेत यापूर्वी नाही त्याचा तपास चालू आहे आता तपासामध्ये कळेल। कॅमेरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पानसे की रिपोर्ट BCN न्यूज नागपूर।